हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट्री ज्ञान। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम अब तक ये डिस्कस कर चुके हैं कि मोल कॉन्सेप्ट जो होता है वो किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अमाउंट को और उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और 1 मोल किसी भी केमिकल सब्सटेंस का अगर है तो हमें वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और वो फिक्स्ड नंबर होता है 6.022 × 10⁻²³ और इस नंबर को कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम एनए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस 1 मोल की और 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स का जो अमाउंट होता है, उनका जो मास होता है, वो भी फिक्स्ड होता है और वो किसके इक्वल होता है, उनके मोलर मास के इक्वल। और मोलर मास क्या होता है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के 1 मोल का मास इन ग्राम्स में। और अगर वो एटॉमिक सब्सटेंस है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो उसके मोलर मास के बराबर होगा, और अगर वो कंपाउंड है तो उसका जो मोलर मास होगा वो किसके बराबर होगा, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो 1 मोल हमें किसी भी केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी एंड उसके मास को बताता है। इन एडिशन टू रिप्रेजेंट और मेजर द क्वांटिटी एंड द मास ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, 1 मोल ऑल्सो मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस। अगर हम गैसियस सब्सटेंस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर जो 1 मोल है किसी भी गैसियस सब्सटेंस का, वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। मतलब कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक फिक्स्ड जगह को घेरती है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, इसको लिखते हैं एसटीपी, इसको शॉर्ट में एसटीपी लिखते हैं। तो एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें टेम्परेचर को कंसिडर किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन में बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 केल्विन, और प्रेशर जो होता है वो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इन कंडीशंस में अंडर एसटीपी किसी भी गैसीय सब्सटेंस का जो 1 मोल का, या अगर हम कहें उसके 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है। और कितना होता है, 22.4 लीटर्स, या अगर हम मिलीलीटर की बात करें तो 22400 मिलीलीटर। तो नाउ वी कैन डिफाइन मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वन मोल और 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैसेस सब्सटेंस ऑक्यूपाइज फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। अंडर द कंडीशंस ऑफ एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपसे इस तरह से क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जाए कि 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, उनको रखने के लिए कितना हमें कितने बड़े कंटेनर की जरूरत होगी,
आप क्या बताएंगे? आपका आंसर होना चाहिए 22.4 लीटर, क्योंकि किसी भी गैसीय सब्सटेंस का 1 मोल जो होगा वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, या फिर एनए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर. और ऐसे ही अगर आपसे दूसरा एग्जांपल हम देखें, अगर आपसे पूछा जाता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो जिस तरह से हमें यह पता है कि किसी भी गैसीय सब्सटेंस का 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो 2 मोल्स कितना ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मोल्स ऑफ अमोनिया कितना होगा 2 × 22.4 लीटर, 44.8 लीटर. मतलब 2 मोल्स अमोनिया गैस को रखने के लिए हमें 44.8 लीटर के कंटेनर की जरूरत होगी. तो इन एडिशन टू मीजर द क्वांटिटी एंड द अमाउंट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, 1 मोल ऑल्सो मीजर्स द वॉल्यूम ऑफ अ गैसी सब्सटेंस एट एसटीपी. और वो वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, दैट इज 22.4 लीटर. तो 1 मोल गैस के जो अमाउंट है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम, इस फिक्स्ड वॉल्यूम को कहा जाता है मोलर वॉल्यूम. या फिर इसको कहा जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ओ गैस या गैसीय सब्सटेंस विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. सो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू.